आज के इस वीडियो में हमारे साथ आप नियाजीपुर में जो दूसरी आज फाइनल रेस होने वाली थी उसकी वीडियो आप देख रहे हैं। इस चेतक प्रतियोगिता में आप देख रहे हैं कि फाइनल के लिए सभी घोड़े छूट चुके हैं और शुरुआत से ही आज सवार मेघू की रफ्तार धीमी नहीं रही, इनकी शुरुआत स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रही। वहीं पर भद्री की भी कुछ अपडेट है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वहां पर कौन कौन लोग जीते हैं। आप देख रहे हैं एकता एक्सप्रेस के साथ सवार मेघू फरहान अहमद के घोड़े के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर घोड़ी की भी एक शानदार पैरबाजी आप देख रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि इस चेतक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा सैयद फरहान अहमद का घोड़ा और जो बदामी घोड़ा है वो तीसरा स्थान आज हासिल किया। दूसरे स्थान पर दो नंबर की ये घोड़ी रही जिसका प्रदर्शन आप अभी देख रहे हैं। रही बात भदरी की तो भदरी में जो प्रथम स्थान मिला है वो ओसामा के घोड़े बाबर को मिला है जो वहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान कुमैत घोड़े को मिला जो हाजी सरफराज खान रौनाही अयोध्या के थे। इलाहाबाद के घोड़े को इस बार प्रथम स्थान मिला है। भदरी की इस चेतक प्रतियोगिता इस बार जो रही उसके कुछ अपडेट यही थे। आप देख रहे हैं नियाजीपुर की चेतक प्रतियोगिता जिसमें चक्र दर चक्र सवार मेघू अपने फासले को यूं ही बढ़ाते चल रहे हैं। नियाजीपुर की चेतक प्रतियोगिता लगातार दो दिनों के लिए रखी गई। अगर कमेटी के लोग इन बातों को सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ अंतराल रेसों में रखें जिसकी वजह से जो आपकी भीड़ रहनी चाहिए ग्राउंड पर वो नहीं दिख रही है। कल बच्चों की दौड़ आपके यहाँ थी, इसकी वजह से भीड़ वहाँ नहीं पहुँची और आज यहाँ पर एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता है और जिसकी वजह से आज दौड़ की प्रतियोगिता पिछले स्थान पर है तो भीड़ वहाँ चली गई। जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी और प्रोग्राम अच्छे होंगे, भले ही आप दोनों लोग दो प्रतियोगिता करा रहे हों, लेकिन फिर भी मैं कहना यही चाहूँगा कि प्रतियोगिताओं में अगर आप लोग सूझबूझ के साथ अंतर रखते हैं तो चेतक प्रतियोगिताएं और बेहतर होंगी और अगर ग्राउंड पर भीड़ इकट्ठी होती है तो रेस कराने का भी अंदाज और दूसरी भी चीज़ें अगर आप पहलुओं से देखेंगे तो वो भी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हो सकती हैं। तो आप सभी जीतने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और इस चेतक प्रतियोगिता में आपने जो भी देख रहे हैं बिहार की है, नियाजीपुर में अब दो चेतक प्रतियोगिताएं होने लगी हैं। वहीं पर तीसरे स्थान पर सवार जय हिंद यादव आज भी घुड़सवारी कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये नियाजीपुर की चेतक प्रतियोगिता पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को हम तक पहुंचाया है प्रदीप यादव बलिया से, जिनके माध्यम से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लिख सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और चेतक प्रतियोगिताओं में जब तक भीड़ नहीं दिखती है, फील्ड का रुआब और रौनक वहाँ तक नहीं पहुँचती है जो पहुँचनी चाहिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घोड़ी नहीं तो दूसरा को रोहित पर दिखे जो हो गए फाइनल हो गए फाइनल होगा। सारा मार्ग के।